क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि स्क्वायर रूट निकालिए। हमारा स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये मेथड क्या होता है, तो फैक्टर निकालना एक प्रोसेस होता है जो आप लोग पहले से जानते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम देते हैं 20, इसका फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालने का मतलब होता है जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड देंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 25 या 10 हो गया, फिर 5 से डिवाइड देंगे 5 1 5। इसका प्राइम फैक्टर निकल गया 2 × 2 × 5। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 2 4 और 4 5 20। तो यह इसका प्राइम फैक्टर हो गया। तो इसी मेथड के थ्रू हम लोग को यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है कि 729 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पीछे से पेयर लगाएंगे दो नंबर का। तो देखिए 29 का एक पेयर हो गया, तो इसके ऊपर एक लाइन दे दीजिए। अब बचाइए एक सिंगल नंबर 7। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 4 डिजिट रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में डिवाइड लगाएंगे, जैसे 2 2 4, 3 3 9। तो 3 3 9 तो बड़ा हो जा रहा है, नहीं डिवाइड होगा, तो हम लोग 2 से लगाएंगे, 2 2 4। दो बार 2 2 लिखेंगे और एक बार 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 2 4 हो गया। माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और ऊपर से दो नंबर को नीचे लिख लेंगे। नीचे क्यों लिखेंगे, और यहाँ पे ये दोनों नंबर को जोड़ के लिखेंगे 2 2 4। इसलिए ऊपर से दो नंबर उतारना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 से 3 में तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग 29 को नीचे उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 है, तो 9 कब आता है लास्ट में, सिर्फ एक ही बार में आता है जब 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 7 7 जा 49। तो ये चीज़ याद रखना है इस क्वेश्चन में कि हम उसी नंबर को लेना है जिस नंबर का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट सेम मिल जाए। तो हम लोग यहाँ पे 7 लिखेंगे और देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 7 7 जा 49 का 9, हाथ में 4 बचा हुआ है, 7 4 जा 28 28 और 4 32 हो गया। यहाँ पे हम लोग जो भी नंबर को लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे ये दोनों नंबर को ऐड करके लिख देंगे, 7 7 14 और 4 और 1 5। एक बार 7 यहाँ पे लिखे हैं तो एक बार 7 हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया और ऊपर में आपको नंबर भी मिल गया 27। तो ये 27 का स्क्वायर है, इसका आंसर है 27। आप लोग 27 का स्क्वायर करके देख लीजिए, इसको दो बार मल्टीप्लाई करके 27 × 27। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 729 आएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि हम लोग जो क्वेश्चन बनाए हैं वो सही है या गलत है। एक क्वेश्चन सेकंड चेंज कर चुके हैं जिसमें कि 9604 है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके लिए हम लोग पीछे से पेयर लगाएंगे। तो ये पेयर लग गया है 04 का और एक 96 का, तो दो पेयर यहाँ पे है। और हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में डिवाइड लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 96 है, तो 96 से छोटा नंबर होता है वो आपका स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा तो पता चलेगा। तो देखिए 96 से छोटा कौन सा है, तो 9 9 जा 81 है, और फिर उससे अगर आगे जाते हैं तो 10 10 जा 100 हो जाएगा, ये लगेगा नहीं, तो हम लोग 9 से लगाएंगे 9 और 9 और यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे 18 और 9 9 जा 81 81 को यहाँ पे लिख देंगे और माइनस कर देंगे और एक बार 9 को ऊपर में लिख देंगे। 6 में से बन जाएगा तो 5 बचेगा और 9 में से एट जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 15 है, ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर में डिवाइड होगा नहीं, इसके लिए हम लोग ऊपर से नंबर को उतार लेंगे 0 और 4। अब देखिए 4 कब कब आएगा, तो 4 तो एक 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा और एक बार 8 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 36, मतलब 360 के आसपास कोई नंबर आएगा, तो 360 तो लगेगा नहीं इसमें, इसलिए ये 2 है जो नहीं लगेगा। फिर एक और नंबर बचा 8 8, से हम लोग चेक करके देखते हैं, 8 लिख देते हैं, 8 8 जा 64 का 4, फिर 6 बचा, 8 8 जा 64 और 6 70 का 0, 8 1 जा 8 और 7 कैरी था, 8 7 हो गया 15। अब देखिए ये नंबर लग गया, ये लग गया तो ये माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब एक 8 बचा था तो 1 8 को यहाँ पे लिख दीजिए,
तो इससे पता चल रहा है कि ये 98 का स्क्वायर है, 9604 का स्क्वायर रूट 98 है। अगर आपको आंसर चेक करना है तो 98 को दो बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो आपका 9604 आ जाएगा। इस तरह से पता चल जाएगा कि हम लोग जो क्वेश्चन बनाए वो सही है या गलत है। अगर आप 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर भी याद कर लेते हैं तो उससे भी आप बनाने समय पता कर सकते हैं कि हम जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों एक ही क्वेश्चन है। 6 में बोला जा रहा है कि कौन सा छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और 7 में बोला जा रहा है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम डिवाइड दे देंगे इस नंबर में तो ये नंबर है जो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन एक ही तरह से सॉल्व होगा, तो देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं, तो 2 से देते हैं डिवाइड, 2 5 10, 0 का 0 और 2 4 8, फिर से हम लोग 2 से डिवाइड देंगे, 2 2 4, 1 बचा, 10 2 5 10 और 2 2 4, मतलब कि 252 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा। फिर इसका हम लोग आधा करते हैं, 2 1 2 और यहाँ पे 26, फिर करते हैं 2 6 12 और 2 3 6। अब देखिए 2 से नहीं लग डिवाइड होगा तो 3 6 लगाते हैं आगे वाला बड़ा नंबर से, 3 2 6 और 3 1 3, फिर 3 7 21। तो इतना हो गया। अब इसको हम लोग सजा देते हैं, 2 × 2 × 2, 2 है 4 बार, एक बार और लिख देते हैं, उसके बाद 3 दो बार है तो 3 को भी लिख देते हैं, और एक बार 7 है तो 7 को भी लिख देते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग दो दो का पेयर लगा लेते हैं, एक पेयर यहाँ पे हो गया, एक पेयर यहाँ पे हो गया, एक पेयर यहाँ पे हो गया, और सिर्फ 7 बच गया जो बिना पेयर का नंबर है। तो जब भी हम लोग स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर या स्क्वायर रूट बनाते हैं तो पेयर में के फॉर्म में नंबर होता है। तो देखिए यहाँ पे एक 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम लोग यहाँ अगर यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जाता कि हम किस नंबर से डिवाइड दें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम लोग को सॉल्व करने के लिए जो नंबर लास्ट में बचा हुआ है जिसमें पेयर नहीं बन रहा है उसको हम लोग हटा देंगे, मतलब उसी नंबर से डिवाइड दे देंगे। अगर हम 7 को 7 से डिवाइड दे देंगे तो ये नंबर है आपका जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब कैसे बनेगा तो देखिए, 1008 है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 7 8 56 हो जाएगा और ये हो गया 1056, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बोला जा रहा था डिवाइड के लिए, तो देखते हैं डिवाइड देके 7 से इस नंबर में, तो 7 से हम लोग डिवाइड देंगे तो सिर्फ बचेगा ये वाला नंबर 2 2 2 2 3 3, 7 तो हट जाएगा। तो इस तरह से ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।